प्रिय दर्शक मित्र प्रणाम, वंदे मातरम। आबू से आदरणीय नरेश जी अग्रवाल की जो डायटिशियन है वो पधारे हैं और इनके साथ आज हमारा चौथा एपिसोड है। खाने पीने में क्या चेंज करने से व्यक्ति रोग मुक्त हो सकता है, दवाइयाँ भी छूट सकती है, उस विषय पर हमारी चर्चा चल रही है और आज मैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नरेश भाई जी का स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत है नरेश भाई। आपको मैं एक सिंपल प्रश्न पूछ के छोड़ देता हूँ इस विषय को आपके ऊपर कि मिस्टर एक्स वाई जेड, उनको सुबह से रात तक की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, क्या उसने दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, क्या उसने चाय पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, क्या उसने अंडे खाने चाहिए, क्या उसने मांस मटन खाना चाहिए, या ओवरऑल आप ऐसी फिक्स दिनचर्या बता दो कि वो अपने अनुरूप कर ले, नौकरी करता हो तो, अप डाउन करता हो तो, या निवृत्त हो तो, यंगस्टर हो तो, अगर जिम में जाता हो तो एक कॉमन सार रूप आप बताने का कष्ट करें। जी जी, जैसे आपने बताया कि अलग अलग लोगों की दिनचर्या है, तो अलग अलग दिनचर्या के हिसाब से किसी व्यक्ति को कभी कभी क्या होती है कि सुबह के ब्रेकफास्ट में उनको बहुत अच्छी भूख लगती है। अगर हम बोलते हैं कि आप जो है आप दिन में 11-12 बजे तक फल खाते रहो और जो है आप ब्रेकफास्ट नहीं करो, तो उनकी अगर नौकरी में जाना होता है उनकी शुरुआत क्या दूध या चाय से होनी चाहिए। जी, तो उनके हिसाब से वो एडजस्टमेंट कर लेके उनको नाश्ता चाहिए। तो हमारा जो मेन एक प्रिंसिपल्स हम बता रहे हैं कि आपके दो भोजन करते हो तो कम से कम 5 घंटे का तो गैप अप रखो ही। अब कई केसेस में क्या होता है, कई जन ब्रेकफास्ट जो घर में हैं, माताएं हैं, घर की सारी काम समेटने के बाद वो नाश्ता 10-11 बजे मान लो कर रहे हैं, तो अब अगर वो 1 या 2 बजे अगर लंच करना चाहें तो वो 5 घंटे का गैप नहीं बनता। अब दिन की शुरुआत जहाँ पर कई जने जो है स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, या तो कई जने जो है हमने राजस्थान देखा कई जगह पे दिन की शुरुआत इमीडिएटली मिल्क से करते हैं, तो मिल्क से करने वाले को हमने देखा कि उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि मिल्क एक प्रोटीन वाली डाइट है और प्रोटीन पाचन तंत्र पर भारी पड़ता है। इसलिए दिन की जब शुरुआत करें तो दिन की शुरुआत सबसे पहले जो पाचन तंत्र पर सबसे अगर कम से कम लोड देने वाली जो चीज़ है वो खट्टी चीज़ें हैं। जैसे मान लो कि अगर हम फल की भी बात करें तो संतरा मौसम भी खट्टे फल पचने में पाचन तंत्र को जितनी कम ऊर्जा लगानी पड़ती है, अगर हम सीताफल या चीकू की बात करें तो उसको पाचन करने के लिए पाचन तंत्र पर थोड़ा भारी पनाता है। और ये भी लगता है कि जब हम चीकू या सीताफल ज़्यादा खा लेते हैं तो थोड़ा सा पेट में जो है भारीपन की महसूसता होती है, लेकिन वही संतरा मौसम भी 2 से 3 अगर एक्स्ट्रा खा ले तो इतना पाचन तंत्र पर भारीपन की महसूसता नहीं होती है। तो दिन की शुरुआत हम कैसे करें, दिन की शुरुआत हमें हमेशा खट्टी चीज़ों से शुरुआत करना चाहिए। हमने जैसे बताया कि खट्टी चीज़ें भोजन के साथ नहीं करो, तो दिन को तो लोग कई लोग नींबू के रस से शुरुआत करते हैं, तो हम खट्टी चीज़ें जो है हमें किडनी को सफाई करने में मदद करती है और हमारे पाचन तंत्र पे एक नंबर गियर लगा के हमारी प्रोसेसिंग को स्टार्ट करते हैं। मतलब खटाई की जो तासीर होती है वो मतलब बॉडी को क्लींसिंग मोड पे जो है सफाई करने की प्रक्रिया में मदद करती है। तो इसलिए दिन की शुरुआत जो व्यक्ति नींबू से करते हैं तो नींबू से करें, अगर नींबू से नहीं करना चाहें तो मैं फिर अच्छी क्वालिटी का आंवला पाउडर या आंवला रसायन पाउडर है तो उससे शुरुआत करें। तो आंवले के जो दूसरे हेल्थ बेनिफिट है साथ में वो हेल्थ बेनिफिट्स उनको मिल जाते हैं। कईयों को नींबू जो है सूट नहीं होता, कई आस्थमा पेशेंट है, कोई दूसरे पेशेंट है उनको नींबू से एलर्जी है, हाँ तो उनको सूट नहीं करते तो वहाँ आंवला सूट कर जाती है उनको, सामान्य तो आंवला से प्रॉब्लम्स नहीं होती है। अगर आप नींबू आंवला से नहीं करते हैं तो आप खट्टे फल से अगर शुरुआत करना चाहे, संतरा मौसम भी है, पाइनएप्पल है, सीजन के हिसाब से कोई फल से करना चाहे तो उस रीति से भी आप चाहो तो कर सकते हो। अब जिनको फल अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है, जॉइंट फैमिली में है या उतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, तो अपना आंवला रसायन पाउडर या आंवला पाउडर से कर ले। अब लोग आंवला जूस से भी करते हैं, अब कंपनी के जब पैक्ड जूस लेते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव होता है, तो मैं उससे बेटर में सजेशंस करता हूँ कि आपके ताजे आंवला अवेलेबल है उस सीजन में ताजे आंवला इस्तेमाल कर लो। ताजे आंवला नहीं है तो पाउडर में जूस के जितना तो प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, तो इसलिए मैं पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करने के लिए बोलता हूँ। अगर घर में आपको साल भर इस्तेमाल करना है, घर में अच्छे आंवले से पाउडर भी बना सकते हो या कोई अच्छी कंपनी के ब्रांड का आता है तो उस रीति से आप इस्तेमाल कर लो। तो दिन की शुरुआत जो है खटाई से करें। अब हम बात कर रहे हैं किडनी को सफाई करने की बात,
किडनी की सफाई में या बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने की मदद करने के लिए बात, तो बेड टी को मैं फिर बैड टी बोलता हूँ। कम से कम सुबह उठ के फिर चाय के मुंह तो नहीं देखो, जो कि किडनी के लिए चाय पीना हो तो पी सकते हैं, लेकिन उसके आधे घंटे पहले पहले तो आंवला से शुरुआत कर ले। तो मैं तो ये बता रहा हूँ कि मतलब दिन की शुरुआत जो बेड टी से ना करें, उसके अंदर मध डाले तो चले, हनी जी उसमें अगर शहद डालना है तो शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है। अच्छा अभी नाश्ता क्या करे? अभी नाश्ता में मैंने जैसे बताया कि आप किसको जो है, अगर हम जैसे बताते हैं कि दिन में मैं सामान्य व्यक्ति तो तीन बार तो भोजन करता ही है जी, लेकिन अगर हम दिन में दो बार भोजन करने के सजेशंस दें, छोटे बच्चे हैं तो तीन बार करेंगे उनके लिए मना नहीं है, और छोटे बच्चे तो चार बार कर लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम 45 साल हो गए या तो फिर बुजुर्ग हम 60-65 साल के सीनियर सिटीजन में बैठ गए, तो उस टाइम पे हम तीनों टाइम, क्योंकि हमारी जो फिजिकल वर्क था 30-32-35 साल होने के बाद फिजिकल वर्क तो हमारी जो है घटती जा रही है, बैठने का दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम बढ़ता जा रहा है, तो उस टाइम पे भी हम 3-4 बार भोजन करना चाहें तो अलाउ नहीं है। तो उस टाइम पे हमें दिन में दो बार हम अनाज खाने के लिए सजेस्ट करते हैं। अब दिन में दो बार अनाज कब खाएं, अब किसको ब्रेकफास्ट चाहिए वो ब्रेकफास्ट करे, तो रात का डिनर स्किप कर ले, माना फ्रूट्स या सब्जियां खा ले या सूप पी के रह जाए। नहीं, अगर व्यक्ति रात का डिनर और दोपहर का भोजन करना चाहे तो नाश्ते को स्किप करके उसके बदले में सीजन का सलाद है या सीजन का फल खा ले, तो दोनों ही ऑप्शंस मतलब खाने के साथ सलाद खा सकते हैं आपकी थेरेपी से। खाने के पहले सलाद पूरा करके खाना शुरू कर सकते हैं, या सेपरेट अगर चाह रहे हैं कि जो है अगर वो सुबह का नाश्ते में सलाद का इस्तेमाल करना चाहता है तो भी सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह का समय तो अग्नि तत्व का होता है ना, तो उसमें फ्रूट खाना चाहिए जी, ये 5 तत्वों के हिसाब से। फ्रूट्स खा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फ्रूट्स अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उस टाइम पे अगर वो सलाद खा लेता है, अगर जैसे सर्दी जुकाम के पेशेंट थे, शरीर में गर्मी थी, तो हमने उनको बोला कि आप जो है खीरा टमाटर का वहाँ नाश्ता कर लो जी, और हमने फिर उनको एक या दो खीरा तो खाने से सामान्य भोजन आता है, लेकिन हमने जब उनको मात्रा बढ़ाने के लिए बोला कि आप 3-4 खीरे और थोड़ा सा टमाटर खा लो, तो उनके कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम था, उनके शरीर में जो गर्मी से रिलेटेड उनको छींके आती थी, नाक से पानी टपक रहा था, एलर्जिक्स के प्रॉब्लम थे, स्किन डिजीज जैसे हमारे त्वचा गर्मी के कारण स्किन डिजीज सोरियासिस एक्जिमा हो रहा था, तो वहाँ पर जब उन्होंने शरीर को ठंडा करने वाली इस तरह के इंटेक को हमने मॉर्निंग में दिया जी, तो उनको उन बीमारियों में भी उनको बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। फाइन। अब इसके बाद जो है, अब फल अगर खाए हैं तो 2 घंटे का कम से कम गैप रखना है, तो चाहे 11 बजे से 1 बजे के बीच में उसको लंच मान ले, ये नहीं कि 11 बजे हम नाश्ता कर रहे हैं और फिर 5 बजे लंच कर रहे हैं, तो अपने सुविधा के हिसाब से घर में अब खाना कैसे बनता है, बनने की टाइमिंग भी सबके अपनी अपनी है, तो 1 बजे के अंदर जो अपना वो लंच समझ ले उसको, तो लंच से पहले लंच में सबसे मेन एक बात ध्यान रखनी है कि खाना चबा के खाना है, लेकिन भोजन के साथ रोटी चावल ला लो तो जरूर से कुछ ना कुछ चीज़ तो होगा, कार्बोहाइड्रेट तो होगा ही जी, तो कार्बोहाइड्रेट के साथ हमें खटाई की सेवन नहीं करनी है, तो दही छाछ या टमाटर इमली अचार अमचूर जो भी आ गए, तो वो खट्टी जो है खट्टा अचार है, अब मान लो कि मेडिसिन के हिसाब से कभी जो है दूसरा कभी जो है हरी मिर्ची का इस्तेमाल कर ले, जैसे किसी को थोड़ा सा चटपटा खाने के इस्तेमाल है, अब मूंगफली की चटनी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो स्किन डिजीज वालों को नुकसान करता है, तो वहाँ पर मैं बोलता हूँ आप बेशक हरी मिर्ची इस्तेमाल कर लो, उसके विटामिन सी मिल रहे हैं, दूसरे न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, आपको कभी जो टिंट का या दूसरे कोई अचार इस्तेमाल करना है, आम का अचार खट्टे अचार इस्तेमाल नहीं करो, वहाँ पर दवाई के रूप में अगर दूसरा कोई अगर कभी बाई चांस जरूरत पड़ती है तो दूसरे अचार इस्तेमाल कर लो जो कि जिसकी तासीर खट्टी नहीं है जी। तो इस तरह से लंच हमारा हो गया। अब लंच करने के बाद जो है हमें भोजन के साथ फल नहीं खानी है, जो प्रिंसिपल्स हमने बता दिया। अब भोजन किया तो हमें 5 घंटे का गैप मेंटेन करना है। अच्छा। क्योंकि अनाज को पचने के लिए 5-6 घंटे टाइम देना है। तो अब इसके बाद शाम के समय आ गया, तो शाम के टाइम पे हमें फ्रूट जूस सूप की अगर आवश्यकता हो तो हम आवश्यकता आंवला भी ले सकते हैं, ले सकते हैं, या आंवला मुरब्बा हुआ कुछ अपना चीज चाहे तो हम ले लिया। लेकिन अभी होता क्या है, अब जैसे लोग दुकान में है, बिजनेस में, काम में है, तो उनको उस टाइम पे शाम को भूख लगी और बाजार में जो है ठेले में और दूसरे चीज़ों में बहुत कुछ जो लुभावने चीज़ मिल जाते हैं, तो भूख मिटाने के लिए या तो करने के लिए क्या करते हैं ना, भोजन कर लेते हैं शाम के टाइम पे। सही बात। अब भोजन कर लिया तो अब रात का जब भोजन करेंगे तो अब उस भोजन के बीच में 5-6 घंटे का गैप जरूरत था, अब वो 5-6 घंटे का गैप पूरा नहीं होता है, फिर रात का भोजन भी करते हैं तो उस टाइम पे फिर वो भोजन पेट में सड़ना शुरू हो जाता है। बराबर। बात जो भोजन के बीच में गैप को मेंटेन करने का जो बात था, गैप मेंटेन नहीं करने से फिर भोजन पड़ना शुरू हो जाता है।
तो चबा के नहीं खाते हैं या तो जल्दबाजी में खा लेते हैं, साथ में दही छाछ का भी इंटेक को हम कर रहे हैं, साथ में हम दूध वाली भी चीज़ें एडिशन कर लेते हैं। अब दही रात को नहीं खानी चाहिए सुना है, लेकिन दही बड़ा जब बाजार में मिलते हो रात को मन ललचाए तो दही बड़ा खाने के टाइम पे तो बड़ा तो खाना ही नहीं चाहिए, तो नहीं खाना चाहिए। लेकिन वहां पर क्या कर रहे हैं ना, हम उस कृति से खा रहे हैं, अच्छा दही नहीं खानी चाहिए तो कढ़ी, दही या छाछ से बनी हुई कढ़ी नहीं खानी चाहिए, तो हम कढ़ी को जो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अच्छा रात को अब नहीं खानी चाहिए तो भोजन के साथ ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए, लेकिन भोजन के बाद आइसक्रीम खाएंगे तो फिर क्या होता है, फ्रीज का पानी पी लेते चिल्ड पानी पी लेते हैं बिल्कुल। तो ये जो गलतियां हम करते हैं, ये गलतियों से जो खाना पेट में सड़ता है, खाना थोड़ी मात्रा में नहीं सड़ा, दवाई तो हम 500 मिलीग्राम या एक थोड़ा सा आधा चम्मच एक चम्मच पाउडर खाते हैं, लेकिन भोजन जो हमने 300, 400, 500 ग्राम कहते हैं, सारा का सारा भोजन एसिड बन गया, सड़ गया। तो इतना जो एसिड बनता है, ये शरीर के ऊपर जो किडनी हमारे दूसरे ऑर्गान से उसके ऊपर जो वर्कलोड बढ़ाता है ना, वो कई दिनों का वर्कलोड बढ़ जाता है। अब ये तो नहीं होता कि वो व्यक्ति अगले दिन भी खाना कुछ भी नहीं सड़ाएगा। इसलिए आपको मना सबको रात को उपवास करना चाहिए। जी रात को मैंने बताया ना, जिस व्यक्ति को संभव है, जैसे बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन हो गए, तो दिन में दो बार खाना खाने का सजेशन दिया, आइदर आप फल जो है सुबह का नाश्ता या तो हल्का कर लो, नहीं अगर हल्का नाश्ता आप नहीं कर सकते, आपको जो नाश्ता की भूख की आवश्यकता है तो रात का डिनर आप हल्का कर लो, चाहे कोई भी एक चॉइस तो लो। अगर बीमार पड़े हो तो बीमार पड़ने के टाइम पे पाचन तंत्र को आराम देके उसकी ऊर्जा को हमें हीलिंग के लिए काम में लेने की आवश्यकता है। बराबर। तो इस बातों का अगर सिंपल सा ध्यान रखें तो हम सहज अपना स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं और दवाई की रिक्वायरमेंट्स को हम चाहें तो थोड़ा कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। दर्शक मित्रों, हमने बहुत सारी बातें जानी और ये बात भी खास जानी आज की, खटाई को भोजन से अलग कर देना चाहिए, सुबह शुरुआत ही खटाई से करनी चाहिए। और मेरा उसमें एक सजेशन है कि रात को सोते वक्त भले आप 6 बजे 7 बजे खाना खाया है, लेकिन सोते वक्त एक गिलास पानी में एक चम्मच आंवला पाउडर डाल के पी लेना चाहिए अवश्य रूप से। जी तो उसमें पाचन में बहुत अच्छा सुधार भी आता है। जी तो बालों के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जी जिनको असमय बाल सफेद होते हैं और भी कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स करेंगे। जी वो हम बताते ही जी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी बहुमूल्य बातें बताई और हमारे जो हिंदी भाषी दर्शक है वे भी खुश हो जाएंगे हमारी ये चार एपिसोड देख के। और इस संवाद से मैं मानता हूँ कि लोगों को बहुत सारे फायदे होंगे अगर जो लोग करेंगे। आपका मैं आदरणीय नरेश भाई का ईमेल एड्रेस भी दे दूंगा, यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप उनसे ईमेल कर सकते हैं। और इस विषय का जो संवाद चला पूरा श्रेय मैं भगवान के श्री चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। जगत जननी भारत माता को मैं प्रणाम करके आज के विषय समापन की आज्ञा चाहता हूँ। वंदे मातरम।